प्रॉफिट की गेम 80% है। 80% एक रुपए माल के सानू 20 पैसे गवर्नमेंट 20 पैसे का माल होंगे 80 पैसे सारे साढ़े। अच्छा वन प्लस वन कर डर गई है सानू इन्नी कमाई कि इन्नी कमाई एवं कि इन्होंने ऐसी चाल चली है थानू 20 का माल है कि जिन्हें का मर्जी बेचो सानू फिक्स इन्ने पैसे दे साढ़े तो इन्होंने 253 करोड़ लेते हैं जाओ जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो एक बंदे अच्छा साल का 253 नहीं यह तो मिनिमम साढ़ा है बाकी तो 500 करोड़ लिया साढ़े तो सब तो घाटा का क्यों गल असं 20 टेंडर जो भरे सब तो छोटे असी ले ले बाकी 200 टेंडर बने उन्हें महंगे मिले लेने पे असी जो टेंडर भरे से ना कच्ची कॉलोनियों का भरे जितनी दुकानें सस्ती होंगी डिफेंस कॉलोनी सब और यह डिफेंस भी मेन रोड है ना इस पास डिफेंस कॉलोनी है उधर दुकान है 200 रुपये फुट इस पास कोटला उधर 90 रुपये फुट गाड़ के सड़क टप के अंदर उधर चला जाता है पर वो टेंडर लैन वाले बेड़ा करक हो गया असी दुकाना जी लिया ना जान के असं कच्ची कॉलोनी दुकान लगे जितनी सू दुकान सस्ती मिलेगी लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी सस्ते ब्रांड दुकान मिल जाएंगे माल 20 पैसे का अभी 40 दी 80 दी हम कई लोग 1+1 दे रहे हैं कई 2 वाली दे रहे हैं 1+2 भी दे रहे मैं कह 2 दे रहे हैं माल तो 20 पैसे का है पहले इन्नी कमाई होंगी सी सर इन्नी पैसे पहले 70 पहले 20 पैसा माल हों 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे 10 पैसे साढ़े होंगे अच्छा हूं गवर्नमेंट ने की आ गया 20 पैसा माल लो जो मर्जी करो सानू फिक्स किन्ना देंगे दे। टोटल सेल क्यों किन्ना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलिए ना सानू महीने 10 लाख देना जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो अच्छा फिक्स अमाउंट कर ले हाँ एक्साइज फिक्स कर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਿਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ नहीं नहीं वो सरकार के खाते नहीं वो दूसरे वाला अमाउंट के कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी 150 करोड़ आप समझदार हो गए बड़े कारोबार पहले ने गलती जी बड़ी की ना जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैकलिस्ट कंपनी से उन्होंने दे दी हाँ ए भी आया पेपर न्यूज ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दी जबकि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाले ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्ट ठेका अपने बंदों को कमाई कराई नहीं नहीं अपने बंदों को नहीं जी वो तो वो बंदे जो इनको दें इनके विश्वास पात्र हों ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਹਲੇ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲ ਤੇ 12% ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ विचोले अंदर ने जो दिता है विचोलिया ही दिता होगा ना सर अस विचोलिया क्यों देंगे सालों जो सैटल होगी 6% जो जो आएगा तो ले जाने
देना, 6% आसान करना समझो, छह परसेंट देना भी आसान नहीं थी। सुन लो, आज गाड़ी का माल आया 100 करोड़ का, बारह करोड़ रुपया तुम्हें कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके जाने दूंगा 10 करोड़। तो दिक्कत सी सर, 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो मैं, उन तो काला देना कोई कारण, नोट उधर थोड़ी पैने दे देंगे। अच्छा भाई, एक कंपनी ने 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई ढाल वगैरह, जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले, वो पिटेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी, केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी अंदर सारे दिन के आ गए, हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको, ये बार मरवास पर लिखा है जी। मैं कहा जी मैं दूसरा चाचा हूँ।